अगर आप भी हैं बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट के स्टूडेंट तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि आप लोग के कापियों का जांच जो है वो शुरू हो चुका है और वो लगभग अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आप जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि आप लोग का कॉपी का जांच 26 फरवरी से स्टार्ट हुआ है और इसका अंतिम जो डेट निर्धारित किया गया है बोर्ड की तरफ से वो है 8 मार्च। 8 मार्च जो है वो आप लोग का लास्ट डेट है कॉपी जांच होने का, यानी कि आज अगर देखा जाए, आज मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस दिन है तारीख 3 मार्च, यानी 5 दिन के बाद आप लोग का कॉपी जांच समाप्त हो जाएगा, जो कि इस बार लगता है समय से ही समाप्त होगा क्योंकि इस बार बहुत सारे लोगों को इसमें लगाया गया है जांच करने में। तो ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है। तो जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि जैसे ही जितना जल्दी आप लोग का कॉपी का जांच पूरा होगा उतना ही जल्दी आप लोग के परीक्षा का रिज़ल्ट भी आ जाएगा। तो जैसे कि कहा जा रहा है कि 8 मार्च तक आपका कॉपी का जो जांच वो कंप्लीट हो जाएगा 100%, तो फिर आपका जो ये कॉपी का जब जाँच हो जाएगा तो उसमें 8 के बाद आप लोग कम से कम 15 दिन का टाइम और ऐड कर लीजिए बाकी सारा प्रोसीजर करने में, जैसे मार्कशीट बनाने में, आपका मार्क्स अपलोड करने में, इन सब में 15 दिन का टाइम और लगेगा, यानी कि अगर इसको दोनों को जोड़ दिया जाए तो 23 तारीख के आसपास, यानी 23 से 25 मार्च के बीच, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि मार्च के लास्ट में, लास्ट वीक मार्च में आप लोग का जो है रिज़ल्ट आ जाने वाला है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप लोग अपना रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप लोग का रिज़ल्ट जो है वो मार्च के लास्ट में, लास्ट मार्च में आप लोग का रिज़ल्ट आ जाना है और उसके बाद फिर आप लोग आगे की तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।